किसका बेटा हूँ? अभय दीवान। ये सब जो टी शर्ट और ये अरेंजमेंट सब उन्हीं की वजह से हुआ। और आप मुझे टी शर्ट नहीं दोगे? दोबारा ऐसा मत करना। चलो कम। ये अभय दीवान का बेटा है तो वो कौन था? मुझे नहीं पता था कि तेरे पापा इतने बड़े आदमी हैं। उनकी वजह से इस कैंप में सबसे भी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। ये यार उनकी तो बहुत चलती है। उनकी चलती तो है पर इतना नहीं। पता नहीं पहले तो सब काम कर लेती थी, पता नहीं क्या हो गया। क्या हो गया? सुबह से बड़बड़ाए जा रही। कुछ नहीं, अकेली पड़ गई है। वो कौन आ गया? अरे अभी 5 घंटे नहीं हुए आनंद को गए और ये हाल है इसका। कह रही है काम में मन नहीं लगा क्योंकि कोई हाथ बटाने वाला नहीं है। मैंने नहीं, उसने ये आदत खुद लगाई। आने दो, एक भी काम नहीं करने दूंगी उसे। मेरी बात हो रही है? आप आइए ना, प्लीज बैठिए। नमस्ते। जी मॉम। वो क्या है कि मैं आपके एरिया से गुजरा था तो सोचा कि आप सबसे मिलता चलूं और पार्टी के लिए इनवाइट करूं जो आज रात को है। सॉरी मैं मिलवाना ही भूल गई। माँ पापा ये कुणाल भैया जिस कंपनी में काम करते हैं उसके ओनर है। कुणाल भैया इन्हीं के लिए काम करते हैं। तूने पहले क्यों नहीं बताया? हम लोग समझ रहे थे कि पता नहीं ऐसे कौन। आप किसी पार्टी के बारे में बात कर रहे थे। हाँ। कुणाल ने आपको बताया नहीं? मुझे लगा ही। वो क्या है कि अपने काम में इतना बिजी और सीरियस रहता है कि दूसरे सब काम के लिए फुर्सत ही नहीं मिलती। थैंक यू। हमारी कंपनी ने 25 साल पूरे किए इसलिए हमने एक छोटी सी पार्टी रखी। मैं चाहता हूँ कि आप अपने पूरे परिवार के साथ आएं। आप खुद इनविटेशन देने आए, हम लोग कैसे भूलेंगे? जरूर आएंगे हम लोग। अंकल जी इनविटेशन देना तो क्या, मैं अच्छे लोगों के लिए ड्राइवर भी बन जाता। क्यों भाभी जी? और हाँ, इस इनविटेशन के साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है। आप प्लीज कुणाल को ये मत बताइए कि मैं ही आया था इनविटेशन देने के लिए। हम सब मिलकर कुणाल को सरप्राइज करेंगे। वो डायरेक्टली पार्टी में ऑफिस से आने वाले। अच्छा ठीक है, हम लोग नहीं बताएंगे उसे। ओके चलो। अरे चाय वगैरह कुछ नहीं? नेक्स्ट टाइम आता। थैंक यू जी, बाय। कितना अच्छा आदमी है। देखो ना, इतनी बड़ी कंपनी का मालिक है, कमेंट बिल्कुल भी नहीं है। शायद इसीलिए कुणाल भैया इनके साथ वापस काम करने के लिए रेडी हो गए, है ना? ये फूल यहाँ क्यों लगा रहे हैं? वहाँ लगाओ ना। क्या? अरे पार्टी है, कोई शादी नहीं है, फूलों की दुकान खोल रखी है। फूलों को छोड़ो, लाइटों में ध्यान दो। जाओ वर्मा जी, जरा ये आप। क्या हो रहा है वर्मा जी? बिजनेस पार्टी है, आप लोग शादी की तरफ सजा रहे हो उसको। ये भी ऐसे ही छोड़ दिया। रामू काका, कुणाल बहुत अच्छा लड़का है। अभय भी बहुत तारीफ कर रहा था उसकी, कह रहा था कि सिद्धि तुम अपने अतीत से कब बाहर आओगी? भूल जाओ उस कुणाल को, तुम्हें जिंदगी में ऐसे कई लोग मिलेंगे पर वो तुम्हारी आगे बढ़ने की वजह होनी चाहिए, पीछे मुड़ने की नहीं। जितना तुमने अपने कुणाल के बारे में बताया और जितना मैं इस कुणाल को जानती हूं, ये कुणाल तुम्हारे कुणाल से कई गुना अच्छा इंसान है, इसलिए सिर्फ नाम सुनकर उसे याद मत करो ना। अभय अभी तक नहीं आया, मैं फोन करती हूं।
छोटे पहुंच गया तो कैसा रहा? अब मैं आपको कैसे बताऊं कि जब बेटा कल आपके सामने आकर खड़ा हो जाए आप उसे याद कैसे नहीं करेंगे? वाह यार, क्या प्रैंक है तेरा! आज कैमरे में मजा आ गया, सच में मुझे भी बहुत मजा आया। आनंद आनंद आनंद, मुझे पता चला है कि जो लड़के ने तुझे डांस कॉम्पिटिशन में हराया था ना, वो उसी कैंप में है। आई न्यू इट, वो लड़का इसी कैंप में होगा, इसलिए तो मैं यहाँ पे आया हूँ। उसने वो कॉम्पिटिशन जीती थी ना, अब देखना अब उसे सजा मिलेगी, ये कॉम्पिटिशन जीतने की सजा। पार्टी काफी शानदार है। अब लग रहा है कुणाल सिंह में एक बड़ी कंपनी में काम करता है। अरे आप लोग आगे, वेलकम। नमस्ते। वैसे हमें आने में देरी तो नहीं हुई? अरे नहीं नहीं, आप लोग सही टाइम पे हैं। द पार्टी इज जस्ट स्टार्टेड। कुणाल कहाँ है? वो यही कहीं है, देखते हैं। आपको देख के खुश हो गए या शॉक? ये सब यहाँ कैसे आ गए? अभय नहीं बुलाया होगा, लेकिन अगर इन्होंने सिद्धि को देख लिया तो? कुणाल से तो हम लोग मिल ही लेंगे, लेकिन उसकी बॉस से हम पहले मिलना चाहते हैं। अरे हाँ, वो भी आपसे मिलकर खुश होगी। हाँ, सीमा बहुत बता रही थी उसके बारे में। हाँ, कल तो मिलते मिलते रहेगी, लेकिन आज जरूर मिलना चाहूंगी। आई एम श्योर वो भी आपसे मिलकर खुश होगी। वो यही कहेंगे, एक काम करता हूँ, उसे बुलाता हूँ, तब तक आप लोग पार्टी एंजॉय करिए। हो गया? हाँ। पर आप यहाँ क्या हुआ? अभी कुछ नहीं, लेकिन होने वाला है। मतलब? मेरी फैमिली नीचे आई हुई। पर आपने तो कहा था कि आप उन्हें नहीं लेके आएंगे। मैंने नहीं बुलाया, मुझे लगता है अभी ने बुलाया। देखो, मैं नहीं चाहता हूं कि तुम उनके सामने आओ, मुझे नहीं मालूम कि वो कैसे रिएक्ट करेंगे। अगर किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। तुम दूर चली गई हो, दूर ही रहो तो ठीक है। थैंक यू। पापा, वहाँ आप लोग यहाँ? अब मैंने बिल्कुल ठीक कहा था, हमें देखकर तू हैरान रह जाएगा। तूने तो बताया नहीं, लेकिन तेरे बॉस ने घर आके हमें इनवाइट किया है। मामा, मेरे दिमाग से निकल गया था। अच्छा, लेकिन आप लोग तो बता रहे थे मुझे। एक्चुअली अभय जी ने कहा था कि हम आपको सरप्राइज दें। हाँ, वो सरप्राइज तो ठीक है, लेकिन अनोखी ईशानी, आपको लगता है कि वो हमारे पीछे पीछे नहीं आएंगी? वो देखिए।